अब हम लोग देखेंगे सीएनसी में टूल चेंज कैसे होता है। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, टूल चेंज की बात क्यों कर रहा हूं मैं। अब सीएनसी में क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस अपन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ड्रिलिंग कर लेंगे, मिलिंग कर लेंगे, टर्निंग कर लेंगे, सारा कुछ अपन लोग, कई तरीके के मशीनिंग अपन लोग कर सकते हैं। अब हर तरीके की मशीनिंग के लिए क्या है, अलग अलग सेपरेट टूल है। ऐसा तो है नहीं कि सेवी टू एक ही टूल से सारा कुछ मशीनिंग हो जाएगा, तो अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग अपने को टूल लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई सरफेस है जिसमें हमने ड्रिलिंग कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करना है, या किसी और सर्फेस में क्या करना है, अपने को मिलिंग करना है। तो ड्रिलिंग वाला टूल ने क्या किया, अपना ड्रिलिंग कर दिया, फिर अब क्या करना पड़ेगा मिलिंग के लिए, ड्रिलिंग वाला टूल निकाल के स्पिंडल से, इस ड्रिलिंग वाला टूल निकाल के क्या, टर्निंग वाला या जो भी ऑपरेशन करना है वो वाला टूल अपने को लगाना पड़ेगा। मीन्स क्या करना पड़ेगा, टूल चेंज करना पड़ेगा। तो सीएनसी में जो टूल चेंज है वो दो तरीके से हो सकते हैं, पहला मैनुअल टूल चेंज कर सकते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक टूल चेंज भी हो सकता है। मतलब सीएनसी में क्या, मैनुअल टूल चेंज तो अपन लोग कन्वेंशनली करते थे, सीएनसी में जनरली ऑटोमेटिक टूल चेंज ही होता था। पहले देखते हैं मैनुअल टूल चेंज क्या होता है। अब टूल एक ऑपरेशन खत्म हुआ, उससे हमने टूल निकाला, दूसरा ऑपरेशन के लिए टूल लगाया, इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाएगा, हवा में सब कुछ हो जाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा। अब ये टाइम जो होता है बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव टाइम अपन लोग किसको बोलेंगे, जिसमें अपन लोग क्या कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, उसी को प्रोडक्टिव टाइम कहेंगे। अब जब मशीनिंग नहीं हो रही, आइडली अपन लोग बैठे हैं, कोई कंपोनेंट में कोई काम नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन प्रोडक्टिव टाइम। तो टूल चेंज हो रहा है तो वो भी क्या है, एक प्रकार का नॉन प्रोडक्टिव टाइम। तो ये क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, मतलब जितना कम हो सके टूल चेंजिंग टाइम, उतना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अपन भी यही चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब मैनुअली अपन लोग टूल चेंज करेंगे तो टूल क्या होना चाहिए, स्पिंडल में बिल्कुल रिजिडली लोकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाएगा, मैनुअली चेंज करेंगे तो बिल्कुल क्या, चेक करना पड़ेगा कि बिल्कुल बीचों बीच अच्छे से लोकेट हुआ है, रिजिड है, अच्छे से फंसा हुआ है कि नहीं है। और उसके बाद वर्क पीस के साथ उसको वही रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा जो उसको चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी ऑफ टूल, मतलब सारे टूल में जितने भी बार चेंज करेंगे हर बार ये रिक्वायरमेंट अपनी होगी ही। तो रिपीटेबिलिटी ऑफ टूल किसमें, मैनुअल में थोड़ा सा अपने को रिपीटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और ज्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद सीएनसी में क्या होता है, एक क्विक रिलीज सिस्टम रहता है, चक रहता है, जो कि किसके अंदर रहता है, स्पिंडल के अंदर। चक को हम लोग सिंपली चेंज तो क्या बोले, चक एक प्रकार से चक क्या है, खांचा है। मैं आपको एक चक दिखा के दिखा रहा हूं, चक क्या है, एक प्रकार से खांचा बोल सकते हैं अपन लोग, जिसके अंदर टूल क्या फिक्स रहता है। ये एक फोर जॉ चक है, इसको बोल सकते हैं एक फोर जॉ चक। ये किसके अंदर रहेगा, स्पिंडल के अंदर रहेगा। अब जो टूल रहेगा वो क्या आएगा, यहां पे आएगा। अब ये सारे चक क्या करेंगे, टूल को हाइड्रोलिकली या न्यूमेटिकली प्रेशर लगाएंगे और टाइटली होल्ड कर लेंगे, ठीक है। टाइटली ये सारे चक क्या करेंगे, अपन एक बटन दबाएंगे तो उसका न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक प्रेशर एक्टिवेट होगा, जिससे ये सारे चक क्या करेंगे, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, और टूल जो यहाँ पे बीच में आ रहा है उसको रिजिडली होल्ड कर लेंगे उसकी पोजीशन में। इससे क्या हुआ, बटन दबाने से ही टूल क्या हो, रिजिडली होल्ड हो गया। और जब इनको अलग करना है टूल को, तो क्या करेंगे, एक बटन दबाएंगे तो सब क्या पीछे ले जाएंगे, टूल को अपन लोग निकाल लेंगे। तो ये वाला सिस्टम किसको बोलते हैं, क्विक रिलीज सिस्टम, जो कि सीएनसी में होता है। मैनुअली जब अपन लोग करते रहे, मैनुअली किस में करते रहे, मान लो लेथ आप लोगों ने देखी होगी, मैनुअली चक को यदि टूल में हिंगेज करना है, होल्ड करना है, की रहती थी, की में कुछ थ्रेड्स बने रहते थे, उसको ठीक वैसे घुमाते थे, टाइट करते रहे, जब जाके टक चक क्या होता रहा, टूल को अच्छे से होल्ड करता था। और यदि अब खोलना है तो उस की को क्या करेंगे, वापस उल्टे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो चक पीछे आएगा, जिससे टूल अपन लोग क्या करेंगे, वापस निकाल लेंगे। अब मैनुअली यदि चक घुमा रहे हो तुम और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो निकालने के लिए, तो उसमें क्या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या है, सीएनसी में एक बटन दबाए, हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट है, वो सबको क्या करेगा, एंगेज कर लेगा टूल को, एक बटन दबाए ये सारे चक पीछे आ जाएंगे और क्या, डिसइंगेज हो जाएगा। तो मतलब इसको बोलते हैं क्विक इंगेजमेंट एंड क्विक रिलीज सिस्टम, जो कि सीएनसी में होता है, मैनुअली में बहुत ही टाइम लगता है। अब चक जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, इसको बोलेंगे फोर जॉ चक, थ्री जॉ चक, कई प्रकार के चक हो सकते हैं।
जिस किसमें होते हैं, चक दोनों में होगा, कन्वेंशनल मशीन होगा उसमें भी चक होगा, सीएनसी होगा उसमें भी। कन्वेंशनल को मैनुअली टाइट और एंगेज और डिसएंगेज करना पड़ेगा, सीएनसी में हाइड्रोलिकली या न्यूमेटिकली चक को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैनुअली का एक एडवांटेज है, मैनुअली में क्या है, टाइम तो बहुत लग रहा है, लेकिन मैनुअली का एक एडवांटेज भी है कि टूल जो हम लोग लोड कर रहे हैं चक में, उसको हम लोग लोड करने से पहले चेक कर सकते हैं अच्छे से कि टूल एकदम वही है, टूल की रिजिडिटी सही है, कि टूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टूल को लोड करने से पहले हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने को टूल लोड करना है तो अपन लोग टूल कहां से सेलेक्ट करेंगे, कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सारे टूल अपने पास रखे हैं टूल सेक्शन में, वहां से कोई भी टूल अपने को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लिए और लोड कर दिए। अब सीएनसी में क्या होता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर में बहुत सारे टूल जो रखे रहते हैं उसका एक लिमिटेशन रहता है, बहुत सारे टूल नहीं रहते। अब देखते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर में क्या होता है। ऑटोमेटिक टूल चेंज क्या करता है, जो टूल को अपन लोग चेंज कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे थे मैनुअल में, मैनुअली कर रहे थे, और ये क्या कर रहा था ऑटोमेटिक टूल चेंज, ऑटोमेटिकली लोड कर देता है टूल को चक में और ऑटोमेटिकली अनलोड कर देता है मशीन के स्पिंडल में। तो इससे क्या होता है, ऑटोनॉमस जो है मशीन जो है बहुत ज्यादा ऑटोनॉमस हो जाती है, और जिससे उसकी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट जो है, ह्यूमन इंटरवेंशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब आदमी की जरूरत नहीं है कि टूल लेके आए, लगाए, डिसएंगेज करे, ये सब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ऑटोमेशन इसका बढ़ जाता है और ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट जो रहती है, ह्यूमन का इंटरफेरर कम हो जाता है। अब तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर का काम क्या है, टूल को लोड करना, अनलोड करना मशीन स्पिंडल में, कहां से, टूल मैगजीन से टूल लेता है वो। तो इससे क्या होता है, जो टूल चेंजिंग में अपना बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो रहा था वो टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से रिड्यूस हो जाता है, किससे, ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग मैकेनिज्म से। इससे जो अपना आइडियल टाइम है वो कम हो जाएगा और जो मशीन का यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक समय तक अपन लोग उसमें क्या, मशीनिंग कर पाएंगे और टूल चेंजिंग टाइम जो रहेगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब एटीसी में दो एलिमेंट रहते हैं, एटीसी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किसको बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग मैकेनिज्म को। उसमें दो मेन इस बेसिक एलिमेंट रहते हैं, जिसका पहला है क्या, टूल मैगजीन, दूसरा है क्या, टूल चेंज आर्म। अब टूल मैगजीन क्या होता है ये समझिए, टूल मैगजीन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स हम लोग क्या स्टोर करके रखते हैं, और उस मैगजीन को कहां रखते हैं, सीएनसी मशीन के अंदर ही रखते हैं उस मैगजीन को। इससे क्या होता है, वो मैगजीन अंदर ही है तो अंदर ही अंदर टूल वहीं से लिया गया ऑटोमेटिकली और वापस वहीं पर रख दिया गया। तो टूल मैगजीन क्या है, एक ऐसी जो कि टूल को स्टोर करती है, जिससे ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग और इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब टूल मैगजीन जो है किसके किस ऊपर डिपेंड करती है, कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कितने टूल्स उसमें स्टोर हो सकते हैं। अब टूल मैगजीन का टाइप क्या है या शेप क्या है, और टूल चेंज का जो प्रोसीजर है वो क्या है टूल मैगजीन से, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब टूल मैगजीन जो होती है वो दो तरीके की होती है, पहली कौन सी, टरेट टाइप टूल मैगजीन, दूसरी कौन सी, चेन टाइप टूल मैगजीन। पहली कौन सी, टरेट टाइप, दूसरी कौन सी, चेन टाइप। पहले आप टरेट टाइप को समझते हैं, टरेट टाइप में क्या होता है, अपन थोड़ा सा बनाते हैं डायग्राम को। ये एक सर्कुलर शेप में एक ऑब्जेक्ट रहता है, जिसमें क्या, टूल के पॉकेट्स बने रहते हैं। ये एक टूल का पॉकेट हो गया, ये दूसरा टूल का पॉकेट हो गया, ये तीसरा टूल का पॉकेट हो गया, ये चौथा, इसी तरीके से मान लीजिए, हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, इसी तरह से मान लीजिए क्या रहेंगे, इसके पॉकेट्स रहेंगे, मतलब इसकी डायमीटर में अपन ने पेरिफेरी में क्या कर दिया, पॉकेट बना दिया, ये इसका सेंटर। अब इस पॉकेट में क्या, टूल अपन लोग डाल देते हैं, ये एक टूल डाल दिया पहला। अब कोई दूसरे प्रकार का टूल डालना है अपने को, ये दूसरे प्रकार का टूल डाल दिया, ये तीसरे प्रकार का टूल, मतलब हर पॉकेट में क्या रहेगा, अलग अलग टूल अपन लोग जितने भी चाहिए
उसमें अपन लोग करते हैं। ये कौन सा टाइप है? टरेट टाइप है। अब इसमें क्या होता है, टरेट को हम लोग स्पिंडल से ही कंबाइन कर देते हैं, स्पिंडल में ही टूल लगना है और निकलना है। तो अगर टरेट को हम स्पिंडल से ही टूल में कंबाइन कर दिए, स्पिंडल से ही कंबाइन कर दिए, तो टूल चेंजिंग आर्म की जरूरत नहीं पड़ती। स्पिंडल जो है इससे कंबाइंड है तो ऑटोमेटिकली टूल स्पिंडल में लग जाता है। मींस एक जो सेपरेट आर्म, अगर टरेट को हम क्या करेंगे, दूर रख देंगे स्पिंडल से, तो एक आर्म चाहिए अपने को जो कि स्पिंडल से टूल को निकालेगा, टरेट में रखेगा, टरेट से नया टूल निकालेगा, स्पिंडल में लगाएगा। लेकिन अगर हम इसको स्पिंडल से ही कंबाइन कर दिए तो हमने टूल चेंजिंग आर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्या होता है, इसकी जो टूल जो रहता है, अब कौन सा टूल लगना है स्पिंडल में ये कैसे मालूम चले, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल है। तो टूल जो रहता है, जो सा टूल अपने को लगना रहता है, वो अपने आप अपनी स्पेसिफाइड पोजिशन में पहुंच जाता है। किसके कारण? इंडेक्सिंग मैकेनिज्म के कारण। इंडेक्सिंग मैकेनिज्म आपने मिलिंग में पढ़ा है, हमने बताया है आपको, मिलिंग में हम बताएं। उसके बाद इंडेक्सिंग मैकेनिज्म होती है, जिससे क्या होता है, टूल ये वाला मान लो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो सर्कुलर डिस्क है एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, रुक रुक के, कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रही, इंटरमिटेंट। अभी जब तक ये क्या हुई, मूव करी, ये वाला टूल क्या है, स्पिंडल की पोजिशन में आया, ये वाला टूल क्या हुआ, ले लिया, स्पिंडल में काम चल रहा है, अब ये रुक गई है, मूव नहीं कर रही। अब स्पिंडल आया, मोशन किया, काम किया, टूल को वापस लगाया, अब ये मूव करी, तो ये वाला टूल आया, इसका काम हुआ, ये लगाया, ये किया, अब ये मूव करी, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब कितने टाइम पीरियड में अपने को मोशन चाहिए और कितने टाइम पीरियड तक अपने को मोशन नहीं चाहिए, उसको इंडेक्सिंग मैकेनिज्म से अपन लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी पोजीशन अपन लोग टूल में, जो भी टूल चाहिए वो स्पिंडल की पोजीशन में ऑटोमेटिकली किससे रहता है, सिंपली बाय इंडेक्सिंग मैकेनिज्म से। टरेट को अपन लोग इंडेक्सिंग कर देते हैं स्पिंडल के साथ, जिससे पोजीशन में जो भी रिक्वायर्ड टूल है वो पहुंच जाता है। उसके बाद अब टूल कौन सा लगाना है ये पहचानेंगे कैसे, टूल कौन सा लगाना है ये पहचानेंगे कैसे। मैनुअल ऑपरेशन में क्या था, मैनुअल ऑपरेशन में तो अपन टूल खुद से लेके आ रहे थे, देख लिए भाई कौन सा टूल है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है। लेकिन इसमें तो क्या है, ऑटोमेटिक है, तो इसमें टूल को पहचानेंगे कैसे। तो टूल क्या है, अपने पॉकेट्स में रखा हुआ है। तो टूल का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, उनके पॉकेट्स के थ्रू, मतलब जौन से पॉकेट से टूल उठाया जा रहा है वो उस प्रकार का टूल हो सकता है, ठीक है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, पॉकेट्स के थ्रू इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद इसमें कितने टूल्स रहते हैं, एक टरेट में, टरेट मैकेनिज्म में लगभग 12 से 24 टूल्स रहते हैं, किसमें, टरेट टाइप टूल मैगजीन में, टरेट टाइप टूल मैगजीन में 12 से 24 टूल्स रहते हैं। अब टूल्स आप लोग बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ा सकते हैं टूल, अगर इसका डायमीटर आप लोग बढ़ा देंगे तो टूल क्या हो जाएगा, ज्यादा पॉकेट्स बन जाएंगे डायमीटर के अलोंग पेरिफेरी में, ज्यादा टूल्स हो सकते हैं। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा डायमीटर आप लोग नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सीएनसी की साइज जो है वो लिमिटेड है, डायमीटर इसका वही रखेंगे जो कि सीएनसी में आसानी से आ जाए। तो अपने को टूल का जो लिमिटेशन है कितना, 12 से 24 के बीच में ही टैरेट टाइप टूल्स में टूल अपन लोग रख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो टूल चेंजिंग टाइम रहता है वो कंपैरेटिवली क्या रहता है, ज्यादा रहता है कंपेयर टू अभी अपन लोग जो चेन टाइप पढ़ेंगे उसके। क्यों? अब जो इंडेक्सिंग हो रही है वो वन डायरेक्शन में हो रही है, मतलब जो अपन लोग घूम रहा है ये डिस्क, ये एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। अब सोचिए, इसने इस वाले से टूल से स्पिंडल में लगा, वर्क परफॉर्म हो गया, इसको वापस रख दिया, अब ये वाला क्या हुआ, घूम के यहाँ पे स्पिंडल की पोजीशन में आ गया ये वाला टूल, अब इससे काम हो रहा है, तो ये वाला टूल कहाँ हुआ, यहाँ पहुंच गया ये वाला टूल। अब मान लीजिए इस वाले टूल के बाद अपने को फिर से इस वाले टूल की जरूरत पड़ रही है, तो क्या होगा, अगर वन डायरेक्शन में इंडेक्सिंग है तो इसको पूरा ऐसे घूम के वापिस जब ये अपनी पोजीशन में आएगा तब ये वाला टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दो डायरेक्शन में इंडेक्सिंग हो, मतलब इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी इंडेक्सिंग कर दे, तो ये वाला टूल जब यहाँ पहुंच गया है तो इसको वापस अपन लोग रिवर्स डायरेक्शन में घुमा के यहाँ पे ले आए, जिससे स्पिंडल की पोजीशन में वापस आ गया, टूल ये वाला वापस काम करके अपना पोजीशन में आ गया। तो मींस इसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग जो है सिंगल डायरेक्शन में होने के कारण इसमें टूल चेंजिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और अगर टूल चेंजिंग टाइम अपने को घटाना है तो इंडेक्सिंग को दोनों डायरेक्शन में करना होगा। तो ये था क्या, टरेट टाइप टूल मैगजीन। अब दूसरा आता है चेन टाइप।
चेन टाइप में क्या होता है, एक स्प्रॉकेट्स के बीच में चेन घूमती रहती है। जैसे साइकिल में आप लोगों ने देखा होगा ना, चेन घूमती रहती है, वैसे ये चेन है साइकिल में, मोटरसाइकिल में, ये चेन मैकेनिज्म है। अब इस चेन के जो स्प्रॉकेट्स है इसमें क्या रहता है, पॉकेट्स आप लोग बना देते हैं, यही पॉकेट्स, ये जो पॉकेट्स इसके पेरिफेरी में बना रहे थे, इसके अब बेल्ट या स्प्रॉकेट्स के ऊपर ये चेन मैकेनिज्म है, आप लोग पॉकेट्स बना दिए। अब इस पॉकेट्स में क्या होंगे, जो भी टूल चाहिए अलग अलग टूल इसमें हो सकते हैं। जैसा भी टूल चाहिए वो इस स्प्रॉकेट में आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो इसकी टूल की कैपेसिटी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 30 से लगभग 100 से लगभग 150 के बीच में ये टूल एक साथ कैरी कर सकता है। मतलब इसमें कितने टूल आ सकते थे, 12 से 24 टूल आ सकते थे, इसमें 30 से 100 से 150 के बीच में टूल आ सकता है। किसे, जितने अपने को टूल चाहिए, दो व्हील्स को अपन लोग दूर से दूर डिस्टेंस में सीएनसी में कवर कर देंगे, जितनी सीएनसी की लेंथ है पूरी डिस्टेंस कवर कर लेंगे, दो व्हील्स को बिल्कुल दूर दूर लगा दिए, दूर दूर लगा दिए तो इनकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो अधिक से अधिक टूल एकोमोडेट कर सकते हैं चेन टाइप टूल में। अब इसमें क्या है, जो टूल है वो क्या है, स्पिंडल से दूर है, स्पिंडल से दूर है तो एक टूल चेंजिंग आर्म की जरूरत पड़ेगी, जो कि आर्म क्या करे, इस वाले चेन टाइप मैगजीन से टूल उठाए, स्पिंडल में लगाए और काम करने के बाद आर्म वापस उसकी पोजीशन पे इसको रख दे। इसमें फायदा क्या है कि इसका जो टूल चेंजिंग टाइम रहता है इस वाले से काफी कम रहता है, और जो टूल कैरिंग कैपेसिटी रहती है चेन टाइप की वो ज्यादा रहती है। तो चेन टाइप और टरेट टाइप। इसके बाद जो सेकेंड मेन एलिमेंट रहता है किसमें, ऑटोमेटिक टूल चेंजर में, पहला एलिमेंट क्या हो गया, टूल मैगजीन, चेन टाइप टूल मैगजीन, और जो दूसरा एलिमेंट रहता है वो क्या रहता है, टूल चेंजिंग आर्म। तो ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग में दो रहते हैं एलिमेंट, पहला टूल मैगजीन, टूल चेंजिंग आर्म। टूल मैगजीन दो प्रकार की, टरेट टाइप और चेन टाइप। टूल चेंजिंग आर्म क्या रहता है, मैंने बताया इसका फंक्शन क्या रहता है, टूल को ट्रांसफर करना, कहां से, मशीन स्पिंडल से और मैगजीन के बीच में टूल को ट्रांसफर करना इसका मेन काम रहता है। जो टिपिकल टूल चेंजिंग टाइम रहता है टूल्स में 2 से 10 सेकेंड लगते हैं, कितना, 2 से 10 सेकेंड लगते हैं टिपिकली टूल चेंजिंग टाइम में, डिपेंड करता है उसकी लोकेशन क्या है, बढ़ता जाएगा तो टाइम बढ़ता जाएगा, दूर होगा तो, पास होगा तो टाइम कम हो जाएगा। अब टूल चेंजिंग आर्म जो रहता है उसमें क्या, एक आर्म रहता है, उसमें एक ग्रिपिंग होनी चाहिए। तो इस ग्रिपिंग जो रहती है वो सिंगल ग्रिपर के फॉर्म में आर्म आता है और डबल ग्रिपर के फॉर्म में आता है, वो अलग अलग मशीन में अलग अलग टूल चेंजिंग आर्म हो सकता है। बस पर्पस क्या है, टूल को ट्रांसफर करना बिटवीन द टूल मैगजीन एंड मशीन स्पिंडल के बीच में। तो ये एक सिंपल टूल चेंजिंग आर्म का एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें मैगजीन से आर्म जो है डबल, क्या कहते हैं, डबल ग्रिपर का आर्म लगा है जो कि टूल ले रहा है और स्पिंडल तक पहुंचा रहा है। आई होप आपको ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग मैकेनिज्म सीएनसी का अच्छे से समझ में आया होगा। कितने एलिमेंट्स है उसके, मेन 2 एलिमेंट्स हैं, टूल मैगजीन और टूल चेंजिंग आर्म। टूल मैगजीन टरेट टाइप की होती है और चेन टाइप की होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।